चलो यार, मेरी तरफ से आप सभी को न्यू ईयर के हैप्पी हार्दिक बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ज़बरदस्त खबर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी को कुछ कुछ पता होगा कुछ लोगों को। वो है फ्लिपकार्ट का सेल, वो 3 से 5 जनवरी के बीच में चालू होने वाला है और इसमें आपको स्मार्टफोन बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आपने स्मार्टफोन नहीं खरीदा 2017 में, तो इस बार चांस मत करवाइए, इस बार खरीद लीजिए। क्योंकि मैं कुछ स्मार्टफोन के नाम भी बताने जा रहा हूँ जो आपको पसंद आएंगे, और आप उसके बारे में लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। और इससे आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला स्मार्टफोन आता है, वो है ऑनर 9i। ये थोड़ी सी प्राइस इसकी महंगी है, लेकिन उस दिन सेल में आपको 15-17 से 18 हज़ार के बीच में ये स्मार्टफोन, 16 से 17 या 16 हज़ार में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। और ये ऑनर का 9i है, इसकी स्पेसिफिकेशन तो कमाल की है। इसमें आपको 4 रियर कैमरे मिल जाते हैं, और 2 रियर कैमरे 2 फ्रंट कैमरे, यानी कि आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है इस स्मार्टफोन में भी। अभी तक किसी स्मार्टफोन ने अभी तक 4 कैमरे नहीं दिए हैं। और बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो स्पेसिफिकेशन तो कमाल ही है इसकी, यानी कि इसके टक्कर का फ़ोन इसकी रेंज में अभी तक किसी कंपनी ने नहीं लॉन्च किया है, वो भी सिर्फ 16 से 20 हज़ार के रेंज में। आप एक टक्कर का आपको फ़ोन मिल जाएगा, वो भी सैमसंग का J7 Pro, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ जाके जाइए और चेक कर लीजिए। लेकिन इसकी बैटरी लाइफ और इसका प्रोसेसर और GPU और कैमरा तो पूछिए मत, सारे के सारे कमाल है। अगर आपकी बजट है तो आप वहाँ पे जाइए और लिंक में चेक कीजिए, और पसंद आता है स्मार्टफोन तो खरीद लीजिए। और भी स्मार्टफोन है, मैं आपको 20,000 से लेकर 5,000 तक के स्मार्टफोन के बारे में बताऊँगा। तो पहला था ऑनर 9i, और दूसरा स्मार्टफोन है MI A1, लेकिन उस MI A1 ये भी ये आपको 13 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। और 13 से 15 हज़ार के बीच में अगर आपका बजट है तो ये बहुत ही कमाल का फ़ोन है, क्योंकि आप अगर 19 से 20 हज़ार में नहीं जाना चाहते हैं, 15 हज़ार के रेंज में आपको स्मार्टफोन खरीदना है, तो ये आपके लिए सुपर है। क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन पूछिए मत, दोनों की स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है अपने प्राइस के हिसाब से, यानी दोनों का प्रोसेसर अपने प्राइस के हिसाब से सेम रखा गया। और कैमरा की क्वालिटी तो बात ही मत कीजिए, MI A1 में तो आपको डुअल रियर कैमरा मिल जाता है, वो भी डुअल 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, तो वहाँ पे इसकी कैमरा थोड़ी सी बेटर हो सकती है MI A1 की। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता, मैंने इसको ट्राई नहीं किया ऑनर 9i को, और तो मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। अगर आपने किसी अगल बगल है आपके कोई फ्रेंड के पास, तो उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि कैमरा इसका कैसा है। लेकिन प्रोसेसर और रैम रोम की बात करें तो ऑनर 9i अपने यानी कि 18 से 19 हज़ार से 20 हज़ार के रेंज में बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, और MI A1 जो कि 15 से 16 हज़ार के बीच में और 14 से 15 हज़ार के बीच में, इसकी रेंज के हिसाब से कोई स्मार्टफोन नहीं है। और अगला स्मार्टफोन आते हैं ऑनर 7X, जो कि 13 हज़ार के बीच में लॉन्च किया गया है, 32 GB, और इसका इसका 4 GB वाला वेरियंट, 4 GB और 64 GB वाला 64 GB वाला वेरियंट आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। आप उसकी जगह आप कंपेयर कर सकते हैं MI A1 और ऑनर 7X को। लेकिन मैं जो आपको स्मार्टफोन बता रहा हूँ आज, उसके सभी अपने रेंज में एकदम हटके हैं, और उससे अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 3 GB की बात करें, तो 3 GB आपके लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि 13 हज़ार में आपको मिल रहा है, और शायद कुछ दिन में अगर इसका सेल आए तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, लेकिन नया स्मार्टफोन है इस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसकी स्पेसिफिकेशन 13 हज़ार के अंदर तो पूछिए मत, क्या कमाल की स्पेसिफिकेशन है इसकी। और हाँ, अगला स्मार्टफोन है इसकी 7X, जो कि इसको टक्कर देता है 7X को, लेकिन 6X थोड़ा पुराना है, 7X नया है, आपको फुल व्यू डिस्प्ले और प्रोसेसर रैम सब कुछ बढ़िया मिल जाता है। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिए, और अपने बजट के हिसाब से ही फ़ोन बाय कीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में आपको बताऊँगा कि कौन सा स्मार्टफोन अगर आप चुनते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, लेकिन पहले मैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे 3 GB वाले वेरियंट की प्राइस बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। और बाकी बात करते हैं उससे थोड़ी सी नीचे में, तो आपको Redmi Note 4, और हम इसका भी स्पेसिफिकेशन आपको तो पता ही होगा, Redmi Note 4 साल पिछले लगभग पिछले ही साल जनवरी में लॉन्च हुआ था, और
आज तक स्मार्टफोन पॉपुलर है। इसका मेन कारण यह है कि आपको इसमें इसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया मिलता है, और 4 GB RAM, 4000 mAh की बैटरी जो कि बहुत पावरफुल है और दिन भर बैकअप देने के लिए काफ़ी है। मैंने इसके 2 GB वाली वेरियंट को यूज़ किया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लेकिन बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके लिए बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा, क्योंकि 2 GB वाला वेरियंट था, थोड़े से हाई एप्लीकेशन रन करने में बैटरी नहीं रैम थोड़ा सा मैनेजमेंट कम था। तो आपको उम्मीद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 3000 वाले 3 GB या 4 GB वाले वेरियंट को ही खरीदें। और अगला स्मार्टफोन है Moto G5 Plus, सॉरी मैंने इसका नाम लेने में लेट कर दिया, लेकिन अभी इसका प्राइस है 17,000 के लगभग में, और ये फ्लिपकार्ट में इसके सेल में सिर्फ 10,000 में मिलने वाला है। तो डील बस मिस कीजिएगा, खरीद लीजिए और स्पेसिफिकेशन आप खुद कंपेयर कर लीजिएगा, बताने की जरूरत ही नहीं इसकी। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, जो 12 MP का कैमरा और 4 GB की रैम और 64 GB की मेमोरी, सॉरी 32 GB की रैम मिल रही है, रोम मिल रही है। और भी इसका प्रोसेसर भी 625 है, रेडमी नोट 4 को टक्कर देता है स्मार्टफोन, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है हाँ, लेकिन इसका साथ GPU परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़िया होगा। और मोटरोला का फ़ोन है, थोड़ी सी महंगा आता ही है, और तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई स्मार्टफोन की, लेकिन सेल में इसकी प्राइस तो पूछिए मत बहुत कम कर दी गई है। और अगला स्मार्टफोन है 10,000 से नीचे, क्या लगता है क्या होगा? हाँ, Redmi Y1 सेल्फी के लिए 10,000 के नीचे, अगर 10,000 से ऊपर सेल्फी जाते हैं तो ओप्पो का एक स्मार्टफोन है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन 10,000 के नीचे सेल्फी के लिए बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, और स्पेसिफिकेशन इसके उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन हाँ CPU ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन इसका GPU बहुत बढ़िया है, यानी अगर हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर है, गेमिंग करते हैं या ज़्यादा एप्लीकेशन रन करते हैं थोड़ी सी ग्राफिक वाले या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए परफेक्ट है। और सेल्फी कैमरा है 16 MP, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपके लिए 10,000 के अंदर ये बेस्ट स्मार्टफोन है, और आप इसके 2 GB वाले 3 GB वाले वेरियंट को ले लीजिए, आपको बेटर पड़ेगा। तो ये रही यूट्यूब क्रिएटर के लिए बेस्ट फ़ोन है, क्योंकि इसका GPU बढ़िया है। और अगला स्मार्टफोन है Redmi 4, ये भी बढ़िया स्मार्टफोन, लेकिन इसकी इसमें भी सेम कन्फिग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कैमरा थोड़ी सी आपको लो मिलती है और GPU भी सेम है, यानी एंड्रीनो का 505 जो कि बहुत बढ़िया GPU है आपको मिल जाती है। ये भी अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन कैमरे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Redmi Y1 लें। और Redmi 4 और उसके बाद Honor 8 Plus, ये भी डुअल ईयर कैमरा था, इसकी भी स्पेसिफिकेशन कमाल की ही है, और बैटरी लाइफ भी कमाल है इसकी, डिस्प्ले भी तो ठीक ही है इसकी, नया फ़ोन है ये भी, लेकिन इसका मीडिया टेक का प्रोसेसर आपको मिलता है, मीडिया टेक में Helio P25 मिलता है, जो कि थोड़ा सा बेस्ट है अभी, अभी तक तो इसका P30 शायद या कुछ और नया होगा, लेकिन अब ये बेस्ट है अभी तक, तो आप इसको भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको रियर कैमरा से शूटिंग करना है या तो वगैरह वगैरह तो आप ले सकते हैं। और अगला स्मार्टफोन आता है 10 ODI और Redmi 5 है, दोनों के स्पेसिफिकेशन कमाल है यार, 5,000 की रेंज में पूछिए मत, कंपनी ने तो बरसात ही कर डाली, लगता है कि यार स्मार्टफोन तो बहुत सस्ते हो गए हैं। 2 GB रैम, 16 GB और प्रोसेसर 425 स्नैपड्रैगन का दोनों में ही, बस थोड़ा सा यहाँ पे 10 ODI थोड़ी सी बाजी मार लेता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बैटरी लाइफ ज़्यादा मिल जाती है ठीक, और फिंगरप्रिंट सेंसर दे देता है 10 ODI, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाजी मार ले 10 ODI ने। लेकिन रेडमी ने अपना रिमोट सेंसर दे दिया है, जिससे कि वो भी सीरीज में बना हुआ है, और यही है कुछ स्मार्टफोन लिस्ट। और मैं आपको बताता हूँ, और अगर आपको 7X और MI A1 में कन्फ्यूज़न है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न तो वहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ कैमरा के लिए ही प्रॉब्लम होगा, बाकी सॉफ्टवेयर यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो आपको एंड्रॉयड A1 में आपको Android 9 मिलेगा, वो भी स्टॉक एंड्रॉयड प्योर एंड्रॉयड, आपको आने वाले सालों में इसके नेक्स्ट अपडेट मिल जाएंगे, जैसे ओरियो या कुछ और आगे आएगा तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन ओरियो कन्फर्म्ड है। और यहाँ पे है 7X में, तो यहाँ पे EMUI मिलता है आपको, जो कि बेस्ट स्किन है, मैं इसको Honor 8 Lite को खुद यूज करता हूँ, Honor 8 Lite को, वो भी बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन इसमें डुअल रियर कैमरा होता तो मज़ा आ जाता, और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर सेल में आपको 13,000 के अंदर मिल जाते हैं 13-13.5 तो बढ़िया ही है, क्योंकि 4 GB 64 GB 3 GB की बैटरी मिलती है, प्रोसेसर भी ठीक ही ठाक है इसका, लेकिन 7X के हिसाब से ही है इसका प्रोसेसर, लेकिन 7X में डुअल प्रोसेसर कैमरा है, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेसर हाई दिया गया है। और यही है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और भी कोई सुझाव है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं आपके सुझाव सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर कर सकूं, जिससे कि आप सभी को फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।